आयोटा हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 28 सॉल्व करने वाले हैं। आरएस अग्रवाल एक्सरसाइज हमारा जो है 9A है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वलिटीज इन ट्रायंगल, चैप्टर का नाम है हमारा क्लास 9 की बुक से। और इससे पहले हम लोगों ने हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल, हर एक्सरसाइज क्लास 9 का आरएस अग्रवाल से सॉल्व करवा रखा है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है, किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है, कहीं एक्सरसाइज में डाउट है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर चैप्टर वाइज आपको हर एक चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या, इन द गिवन फिगर, जो फिगर हमें दिया गया है, तो एन द टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड द मीडियन ए डी, बोला कि ए बी और बी सी और जो मीडियन ए डी है ना, ये जो मीडियन ए डी है ये इक्वल है हमारा पी क्यू क्यू आर और मीडियन पीवीपीएम के बराबर, ठीक है। तो अब हमें क्या बोल रहा है कि इक्वल बोल दिया हमें, एंड तो हमें प्रूफ करने के लिए बोला कि बताइए, प्रूफ कीजिए कि ट्राइंगल ए बी सी, जो ट्राइंगल ए बी सी है ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, बस वही ना। गिवन में हमें ये दिया कि ये साइड इसके इक्वल, बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल और ए डी जो है वो पी एम के इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल ए बी सी इसके कॉन्ग्रेंट होगा हमारा। कैसे करेंगे अब वो देखो, पहले तो गिवन लिख दो, गिवन गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। इसमें क्या क्या हमारा इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक। उसके बाद बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड मीडियन ए डी इज इक्वल टू पी एम, ये हमारा गिवन हो गया, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव देखो, प्रूव में हमें करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो तो हमें बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल दिया हुआ है, तो बी सी इज इक्वल टू मुझे क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है। तो हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर भी हो जाएगा हमारा, और हाफ ऑफ बी सी का मैं बी डी ले लेता हूँ और इसको क्यू एम ले लेता हूँ, तो इसको मैं ले लेता हूँ बी डी एंड इसको ले लेता हूँ क्यू एम। क्यों, रीजन भी है क्यों, क्योंकि हमारा जो ए डी है ना, ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, बस में ये मीडियंस इसीलिए ऐसा हो गया, तो बी डी इज इक्वल टू क्यू एम हो गया, बी डी जो है हमारा वो क्यू एम के बराबर हो गया। आइए अब हम लोग ये ट्राइंगल लेते हैं, छोटा वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल, तो लिखो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, और जो ट्राइंगल क्या नाम है ये पी क्यू एम, तो पी क्यू एम, इन दो ट्राइंगल में देखो तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक। ये तो हमारा गिवन हो गया, ये गिवन है, ठीक। और क्या, ए डी इज इक्वल टू पी एम, ये भी हमारा गिवन है, ए डी इज इक्वल टू पी एम, ये भी गिवन है। और क्या गिवन है, और क्या है हमारा, ये बी डी इज इक्वल टू क्यू एम, अभी प्रूफ किया हम लोगों ने, यहाँ पे प्रूफ किया है, तो बी डी इज इक्वल टू क्यू एम प्रूफ है, तो प्रूफ किया, तो देयरफोर इसीलिए हमारा क्या हो गया, मैं यहां लिखता हूं, तो देयरफोर जो ट्राइंगल है हमारा है ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, क्या हो गया हमारा पी क्यू एम। पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट क्यों किया, उससे हमें ये एंगल और ये एंगल है ना इक्वल हो जाएगा, उसके बाद हम आराम से कर लेंगे। चलो तो कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय क्राइटेरिया बताओ, तो एस 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 क्राइटेरिया से, by एस 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 क्राइटेरिया, ठीक। तो है ना, therefore this implies ये वाला जो एंगल है, ये एंगल एंगल बी ए डी, एंगल बी या फिर ये ले लो, वो कह ले, वो क्यों ले, एंगल ए बी सी
एंगल ए बी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी जो है हमारा एंगल वो एंगल पी क्यू एम के बराबर हो जाएगा, पी क्यू एम के बराबर हो जाएगा बाय सी पी सी टी। ठीक, तो हैंस हैंस ए बी डी को अपन लिख सकते हैं कि ए बी सी, यार ए बी डी को ए बी सी कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। और पी क्यू एम को लिख सकते हैं कि पी क्यू आर। ठीक, चलिए आइए अब लेते हैं ट्राइंगल। इन ट्राइंगल आप कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ये ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, कौन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। चलिए आइए, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन, ये तो गिवन है हमारा। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, अभी प्रूफ किया हम लोगों ने, प्रूफ्ड प्रूफ अबव, प्रूफ्ड अबव। ठीक है, चलिए उसके बाद अब देखो तो और क्या, ये बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये हमें गिवन है, तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर ये गिवन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। बस यही हमको प्रूफ करना था, जो कि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, बस ये मेरी ये हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था टू प्रूफ में, चलो हो गया। मैं हर तरह स्क्रीन शॉट ले लो। तो यही था 150 हमारा एग्जांपल नंबर 28 जो हम लोगों ने कर लिया। ये हम लोग जो है एग्जांपल नंबर 29 सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लग रहा हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।